गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम भट्टीसा मीना. द नेम ऑफ माई स्कूल इज श्री सहजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाटेज एट ओना. आई एम टेकिंग एस एस टूडे. आई एम टेकिंग सिक्स स्टैंडर्ड एस एस लेसन नंबर सेवन, गुजरात लोकेशन बाउंड्री एंड द फिजियोग्राफी. नाउ वी हैव यू हैव अ स्टडी अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट इन द क्लास फाइव. नाउ यू विल द स्टडी अबाउट योर स्टेट. लुक एट द मैप एंड गिवन द फॉलोइंग आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन अवर गुजरात, इन अवर गुजरात हैव अ 33 डिस्ट्रिक्ट. आफ्टर द सर्वाइवर्स फाइल्ड ऑफ द ओरिजिनल इज अ 17 डिस्ट्रिक्ट. द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट 1960 से पहले, जब 1960 में हमारा गुजरात फर्स्ट जब इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, तब गुजरात एंड महाराष्ट्र आर कंबाइंड. ओके, सो फर्स्ट में 1960 द गुजरात एंड द महाराष्ट्र हैव द पार्टिसिपेटेड. अलग अलग हो गया था जब गुजरात अलग हुआ था. ऑन दैट टाइम द गुजरात हैव अ 17 डिस्ट्रिक्ट एंड लेटर ऑन द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैव टू बी अ कंबाइंड एक्सपांडेड एंड नाउ वी हैव अ 33 डिस्ट्रिक्ट्स आर. ओके, इट्स अ 1960 वी हैव अ स्टार्टिंग 17 डिस्ट्रिक्ट. नाउ वी हैव अ 33 डिस्ट्रिक्ट. द मोस्ट पॉपुलेशन सिटी इन अवर गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया. ओके, हमारे स्टेट के अंदर, गुजरात स्टेट के अंदर इन द 2011 वी हैव टू दिस फाइंड आउट द 28 मेजर सिटीज आर देयर. ओके, here we have a longest coastal line in our country. हमारे पूरे इंडिया में सबको कोस्टल लाइन लगती है. देखो बेटा, सी हियर, सब स्टेट को कोस्टल लाइन लगती है, बट गुजरात इज अ ह्यूज कोस्टल लाइन. 1600 किलोमीटर वी हैव अ टोटल लेंथ 1600 किलोमीटर कोस्टल लाइन एंड दे हैव अ टू गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात आर सिचुएटेड इन अवर स्टेट. वी आर दिस टाइप ऑफ द, दैट मीन्स वी हैव अ अरेबियन सी द कोस्टल लाइन ऑफ गुजरात. ओके बेटा, नाउ द स्टेट ऑफ द गुजरात इन अवर इंडिया. ओके, द सेकेंड मैप इज अ इंडिया. ओके, सो इन अवर इंडिया हैज़ अ 29 स्टेट्स एंड दे हैव अ 7 यूनियन टेरिटरीज. ओके, 2020 इन द असेंबली वन द पास वन मोर टेरिटरी, दैट मीन्स इन द 2000 वी हैव अ इन अवर पार्लियामेंट हैव टू डिसाइडेड 8 यूनियन टेरिटरीज इन अवर country. So 29 state and the 7 union territories are situated, but they have to be a one territory is more, that means they have to decided Ladakh and the Kashmir is alone. So now it's a 8 union territories are situated in 2020. They are passed in the this file is passed into the assembly. Now the state of the Gujarat is located in the western part of India. It is flanked by the Arabian Sea in the west side. I was told you in the west side we have a coastal line, we have a Arabian Sea. Now physio, I was show you in the last lesson number 5, this is the equator and this is the tropic of Cancer, this is the tropic of Capricorn. तो ये हमारे इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगता है. ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात में किस तरीके से लगता है, वी विल सी नाउ. द स्टेट ऑफ द गुजरात बिटवीन 20.6 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 28 नॉर्थ लैटिट्यूड. ओके, द बिटवीन ऑफ द 68.10 ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड द 74.28 ईस्ट लॉन्गिट्यूड. बेटा हमको हमारा जो गुजरात है बेटा, उसमें 20.6 यानी नॉर्थ साइड से, सॉरी 20 पॉइंट, ये जो
20.6 और यहाँ से ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर्टी टू, ये हमें लैटिट्यूड लगता है ओके गुजरात को। और लॉन्गिट्यूड यानी ईस्ट साइड में हमारा जो ये बीचों बीच मिडल जो मिडल ये जो हमारा ये जो साइट है यानी जो लॉन्गिट्यूड हमें लगता है वो 68.10 ईस्ट से लेके 74.28 ईस्ट तक का लगता है। अंडरस्टूड बेटा? सो दिस इज़ अ लैटिट्यूड लाइन्स एंड दिस इज़ अ लॉन्गिट्यूड लाइन यानी जो ऐसे ऐसे लाइनिंग लगती है दिस इज़ अ 28.10 और टू 74.28 और जो हम ऐसे जो लाइंस लगती है कंट्री में दैट इज़ अ ग्लोब पे वो 24.42 से लेके 20.6 से लेके 24.42 तक का होती है ओके बेटा। बॉर्डर्स मीन्स वी हैव अ टू टाइप ऑफ द बॉर्डर्स आई वाज टोल्ड यू फर्स्ट सी बॉर्डर एंड द लैंड बॉर्डर। नाउ वी लुक एट द मैप एंड गिव द आंसर। डैश इज द ईस्ट ओके लैंड बॉर्डर्स हमें बताना है। ईस्ट साइड हमारी ईस्ट साइड कौन सी बॉर्डर है? ईस्ट मीन्स दिस टाइप दिस साइड ईस्ट साइड हमारी कौन सा स्टेट लगता है? इट्स अ मध्य प्रदेश ओके। एंड सेकेंड इज अ डैश साइड ऑफ वेस्ट। वेस्ट में क्या है? दिस इज अरेबियन सी। एंड डैश इज द नॉर्थ। नॉर्थ में हमारे नॉर्थ में क्या है? हमारे नॉर्थ में राजस्थान है यानी ये जो ऊपर साइड ये जो कौन से स्टेट है ये राजस्थान दिख रहा है राजस्थान ओके। एंड द डैश इज अ साउथ साइड। साउथ हमारी साउथ साइड है महाराष्ट्र। एंड डैश इज द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मैंने ये वाली लाइन तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में क्या है हमारा? पाकिस्तान ओके। दैट इज अवर नेबर कंट्री। सो दिस ब्लैंक यू वॉन्ट टू कंप्लीट इट फॉलोइंग इन योर नोटबुक ऑल्सो। डैश इज द ईस्ट ओके मीन्स अ मध्य प्रदेश इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट, राजस्थान इन द नॉर्थ एंड महाराष्ट्र इन अवर साउथ एंड पाकिस्तान इज अ नॉर्थ वेस्ट। नाउ द सी बॉर्डर्स। सो आई वॉज टोल्ड यू अबाउट द सी बॉर्डर्स। वी हैव 1600 किलोमीटर। इट्स अ टू मच ह्यूज सी बॉर्डर्स आर सिचुएटेड इन गुजरात। द अरेबियन सी लाइन्स इज अ वेस्ट ऑफ गुजरात। दिस इज अ सी बॉर्डर इन द 1600 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट इज़ अ लॉन्गेस्ट सी बॉर्डर अमंग ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। यानी हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट को सी बॉर्डर्स लगता है सबसे ज़्यादा गुजरात को लगता है जो कि है 1600। द बॉर्डर हैज़ टू बी गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ। आई वॉज टोल्ड वी हैव अ टू गल्फ, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात। इट्स अ ईजी वे ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द सी बॉर्डर्स। I was told according to the Gujarat, 7th largest state in India. Okay, it's a fine position term of the population according to the census of the 2011. Now the expansions, what the means of the expansion is a detail. Okay, detail for about our Gujarat details, land, how can our Gujarat have a detail? It's given in this paragraph. The north-south length of the Gujarat is a 590 kilometer and the west-east length of the 500 kilometer. The the geographical area of the Gujarat is a 1,96,024 kilometer, which is only a 6% of the Indian total area. The land area of the Gujarat is divided into four parts: North Gujarat, South Gujarat, Center Gujarat and the Saurashtra Gujarat. I was explaining you from this picture. So it's easy for you. You can understood. Okay. ये पैराग्राफ में क्या था? नॉर्थ टू साउथ यानी नॉर्थ टू साउथ जो इसकी लेंथ है दिस इज़ अ 590
किलोमीटर ओके 590 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट, यानी ये जो हमारी साइट है गुजरात की दैट इज़ अ 500 किलोमीटर, अंडरस्टूड। फिर जो टोटल एरिया हमारा बन जाता है, फिफ्थ स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने टोटल एरिया निकाला होगा स्क्वायर का, ये साइड फिर टोटल ऑफ द लैंड कितना हुआ है, तो ये हमारा जो टोटल ऑफ लैंड है गुजरात का दैट इज़ अ 1,96,2400 किलोमीटर। ये हमारे पूरे इंडिया कंट्री का 6 पार्ट हमारा गुजरात है ओके यानी अगर इंडिया 100% इंडिया है तो इसमें से हम हमारे पास जो लैंड है वो 6% लैंड है ओके थोड़ी जैसे 6 or 7% महाराष्ट्र है, केरला 1 or 2% होगा या कश्मीर 3% 5 or 6% होगा, तो टोटल 100% होता है यानी सब स्टेट अलग अलग परसेंटेज पे होते हैं, तो हमारा गुजरात 6% है, पूरे इंडिया का छठा भाग है हम ओके। वी हैव अ इन दिस पैराग्राफ गिवन द वी हैव अ डिवाइडेड इनटू द फोर पार्ट, हमारा गुजरात 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है नॉर्थ गुजरात, दिस इज अ नॉर्थ गुजरात ओके। अपर साइड जो है मेहसाणा पाटन आणंद ये सब क्या हो जाता है हिम्मतनगर ये सब हो जाता है नॉर्थ गुजरात। हम ये जो पार्ट है ये है साउथ गुजरात ओके ये है जो साउथ गुजरात, ये पूरा जो है वो साउथ गुजरात, ये जो हो जाता है उसे बोलते हैं सेंट्रल गुजरात और ये हमारा जो पूरा हिस्सा है उसे बोलते हैं सौराष्ट्र। तो गुजरात को 4 पार्ट में डिवाइडेड किया है, मैं वापस समझाती हूँ। हम जिसमें आते हैं ये कहलाता है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र में राजकोट जामनगर कच्छ जूनागढ़ अमरेली गिर सोमनाथ ये सब आ जाता है सौराष्ट्र, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, लास्ट में सौराष्ट्र है, लेकिन तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले सौराष्ट्र लिया है ताकि तुम्हें पता चले कि वी आर इन द सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट, अंडरस्टूड। सेकेंड वन है सेंट्रल गुजरात, मीन्स ये गुजरात का बीचों बीच का हिस्सा, ये गुजरात का बीचों बीच का पार्ट, दिस इज़ अ सेंट्रल गुजरात, अहमदाबाद आणंद वडोदरा ये सब सेंट्रल गुजरात में आ जाते हैं। ऊपर का जो पार्ट है ये हो गया नॉर्थ गुजरात और ये जो नीचे का पार्ट है ये हो गया साउथ गुजरात, दैट मीन्स पूरे गुजरात को 4 पार्ट में डिवाइडेड किया है, अंडरस्टूड। आई वॉज शोइंग यू अगेन एंड अगेन फॉर मैप बिकॉज इट इज ईजी फॉर यू, यू कैन अंडरस्टूड बाई द मैप ओके। नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात थ्रो विच इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास्ट, नाउ सी विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास्ट इन द ग्लोब आई वॉज टोल्ड इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओके, सो अवर गुजरात ऑल्सो पास द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अंडरस्टूड। Topic of cancer is passed in our Gujarat also. So which districts are passed this line? ये line कौन कौन से district को पार करती है? तो first तो तुम्हें कच्छ दिख रहा है बराबर, कच्छ, then पाटन, then मेहसाणा गांधीनगर और बनासकांठा साबरकांठा, इट्स अ कटिंग ऑफ द, हम यहाँ से नहीं गिन सकते हैं ना, इसलिए हम हमेशा यहाँ से बोलेंगे ओके बेटा। सो फर्स्ट इज अ साबरकांठा गांधीनगर, साबरकांठा गांधीनगर पाट मेहसाणा पाटन एंड कच्छ, इट्स अ पास टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फ्रॉम अवर गुजरात। ओके फिजियोग्राफी, हमारे गुजरात की फिजियोग्राफी कैसी, इट्स डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स। फिजियोग्राफी रिफर टू द वेरियस लैंड फॉर्म, द फिजियोग्राफी ऑफ द गुजरात स्टेट इज अ वेरियस, वी कैन डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स। फिजियोग्राफी किससे बोला जाता है बेटा, जो गुजरात की लैंड है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, तो हमारे गुजरात में 5 टाइप्स ऑफ आता है। फर्स्ट है प्लेन एरिया, अंडरस्टूड। सेकेंड है हिली एंड द माउंटेन एरिया, थर्ड इज़ अ प्लेटू एरिया, फोर्थ डेजर्ट एंड फिफ्थ इज़ अ कोस्टल प्लेन्स। सो वन बाय वन वी हैव टू टेकिंग, फर्स्ट ऑफ द प्लेन एरिया ओके।
द मेजर पार्ट ऑफ द गुजरात कंसिस्ट ऑफ द प्लेन, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो प्लेन एरिया है. दिस प्लेन आर मेड अप ऑफ द अरावली सॉइल एंड एंड ऑफ सॉइल एंड आर देयरफॉर वेरी फर्टिलाइज. द प्लेन ऑफ द साउथ गुजरात मीन्स डाउन साइड ऑफ द साउथ गुजरात एंड द सेंट्रल गुजरात आर द मोर फर्टिलाइज. द पॉपुलेशन इज ऑल्सो डेंसी हियर. ओके, हमारा जो प्लेन एरिया है वो इज टू मच गुड फॉर द फर्टिलाइज़र, बहुत फर्टिलाइज़र है वो एरिया. तो एग्रीकल्चर वर्क इज़ गुड फॉर देयर. कौन कौन सा पार्ट? द साउथ गुजरात एंड सेंट्रल गुजरात मीन्स दिस मीन्स दिस साउथ गुजरात और सेंट्रल गुजरात, यहाँ तक का जो हमारा एरिया है इज़ टू मच फर्टिलाइज़र एरिया. यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क इज़ टू मच गुड और द पॉपुलेशन ऑल्सो वेरी डेंस हियर, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है. सो एग्रीकल्चर वर्क इज टू मच ईजी फॉर देयर. हिली एंड द माउंटेन एरिया, कहाँ कहाँ पे हिली एंड माउंटेन एरिया? द हिल्स एंड माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू द थ्री रीजन. हिली और माउंटेन एरिया जो है वो तीन तीन में डिवाइडेड किए हैं. ताल गुजरात हिल्स, सौराष्ट्र हिल एंड कच्छ हिल. ताल गुजरात हिल यानी ताल ताल में जो गुजरात के हिल्स है दैट्स वन. सौराष्ट्र हिल जो हमारे हमारे एरिया में जो हिली एरियाज हैं एंड कच्छ हिल्स. इट्स डिवाइडेड इन टू द थ्री पार्ट्स. ओके, नाउ वी हैव टू गिवन द सम इंफॉर्मेशन अबाउट द हिल्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोट. ओके, ताल गुजरात हिल्स यानी ताल ताल जो गुजरात हिल्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो कौन कौन से हिल्स आते हैं. ओके, मेन मेन हिल्स कौन कौन से हैं? तो गब्बार, तारंगा, आडार, पावागढ़, पड़नेरा एंड सापुतारा. ओके, एंड सौराष्ट्र हिल, सौराष्ट्र के कौन कौन से हिल हैं? चोटीला, बारडो, शत्रुंजो और खाखरा. ओके, खोखरा. एंड द हिल ऑफ कच्छ, कच्छ के हिल कौन कौन से हैं? भुजियो, कारू, लिलियो, धेनोधार और कांताकोट. ओके, दिस आर द हिल्स ऑफ लैंड ऑफ हिल्स ऑफ ताल गुजरात, सौराष्ट्र एंड कच्छ. प्लेटो, द प्लेटो आर फॉर्म्ड विच आर द हायर देन द सी लेवल एंड आर द फ्लैट लाइक प्लेन इन द अपर पार्ट. ओके, प्लेटो मीन्स इट्स अ लैंड फॉर्म ऑफ द हायर देन द सी लेवल. सी लेवल से ऊंचा एरिया. ओके, सी लेवल से ऊंचा एरिया एंड हम कोस्टल लाइन में रहते हैं तो सी लेवल हमारे हमारा एरिया ऐसे वो साथ में हुआ, लेकिन सी एरिया से ऊंचा जो एरिया होता है उसे प्लेटो एरिया बोलते हैं. बट वो प्लेन होता है यानी वहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क इज अ पॉसिबल, हिली टाइप में नहीं होता है. ओके बेटा, द मिडल पार्ट ऑफ द कच्छ एंड द सौराष्ट्र आर अ प्लेटो. The plateau of the Saurashtra is high in the middle while sloping and the low towards the seashore. यानि जो seashore है, ये means ये जो seashore है, okay? ये दरिया है, okay? इस दरिया है. तो दरिया से थोड़ा कैसा ऊपर का एरिया, यानि ये river से थोड़ा कैसा ऊपर का एरिया, but ये plain area हुआ. Understood? और वो seashore से slopy area तक का ऐसे निकलता हो. That is called a plateau area. डेजर्ट, द डेजर्ट ऑफ द कच्छ आर नॉट सैंडिंग बट फुल ऑफ सॉल्ट. फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑन द मून लाइट द एरिया लुक लाइक्स अ वाइट बेडशीट. ओके, डेजर्ट जो है इट्स अ शाइनिंग, वेन एवर द सन रेसेस इज कमिंग ऑन टू इट्स अ शाइनिंग. हम कभी कभी जाते हैं सी के पास तो वहाँ पर डेजर्ट होता है, वो चमकता है दोपहर के टाइम पर, बराबर हॉट हो जाता है और रात के टाइम पर वो कोल्ड हो जाता है. तो हमारे कच्छ में इतना सारा डेजर्ट है जो उसके अंदर जो सॉल्ट का हिस्सा होता है, रात को मूनलाइट होती है तो ऐसा लगता है इट्स अ वाइट बेडशीट. ओके, सो इट्स अ बिकॉज दैट द डेजर्ट इज अ सैंडिंग बट फुल ऑफ द सॉल्ट. सैंडी भी है और उसमें सॉल्ट भी मिक्स है. वो सॉल्ट शाइनिंग करता है बेटा, मूनलाइट में भी वो सॉल्ट शाइनिंग करता है और सनलाइट में भी वो सॉल्ट शाइनिंग करता है. हम नहीं बोलते धूप दोपहर को बहुत गर्म होती है सैंड, बिकॉज उसके अंदर सॉल्ट है और सॉल्ट को जब सनलाइट लगती है तो वो बहुत जल्दी हॉटनेस आ जाती है. एंड एट द नाइट इट्स टू मच लुकिंग लाइक अ वाइट
so that is look like a area, they have to be a bed sheet of white color. Okay, costal plane, I was told to 2 or 3 time about the costal plane because it's too much important in our state. Is a too much huge coastal line. Gujarat has a coastal line of the 1600 kilometer, which is a very useful for the international trade. We have a large ports also, बंदरगाह अलर्ट पोर्ट्स है जो ट्रेड करते हैं. हमारी कंट्री का माल दूसरी कंट्री के अंदर शिफ्ट या दूसरी कंट्री का माल हमारी कंट्री में जो आता है वो इंटरनेशनल ट्रेड बोला गया. इट्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो इम्पोर्ट वर्क इज ईजी बाय द वाटरवे. सो गुजरात इज़ अ टू मच यूजफुल इन द इंटरनेशनल ट्रेड. ड्यूरिंग द पास्ट इंटरनेशनल ट्रेड वॉज अ कैरिड आउट थ्रू द पोर्ट ऑफ द खंबात, घोघा, भरूच एंड द प्रेजेंटली थ्रू द पोर्ट ऑफ कंडला. पोर्ट ऑफ खंबात, घोघला, भरूच, दे आर द यूजली प्रेजेंटली दे आर यूज टू मच अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड, बट द पोर्ट ऑफ कंडला इज़ अ ह्यूज पोर्ट इन आवर गुजरात. सो बेटा दिस इज अ स्मॉल लेसन, इट्स वॉट विल बी अ वॉस इट इज़ अ कंप्लीटेड. In the next, I will give the PDF for the completing the question answers and the exercise. Okay, but stay at your room and goodbye.